Hello students, how are you? So students, I welcome you all for this lecture in which we will be solving question based on basic strength. So student, इससे पहले हमने acidic strength, basic strength, SIR, SIP, उन पे based questions, ये सब कुछ देखा हुआ है. तो जिन्होंने अभी तक ये नहीं किया है, मेरा I will request you कि आप वो सबसे पहले वो सारी चीजें कीजिए और फिर इस लेक्चर के लिए आइए, isn't it? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ पे बात करेंगे, है ना. तो बेसिक स्ट्रेंथ पे अगर हमें बात करना है, सबसे पहले दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, है ना. तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने लिख के रखा है कि बेस क्या होता है. व्हाट इज बेस? बेस इज समथिंग विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेस इज समथिंग विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो अपने इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से डोनेट कर दे वो उतना अच्छा बेस है, और जिसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने पे जितना मुश्किल हो वो उतना बुरा बेस है. इज इट क्लियर? ना, अब अगर स्टूडेंट्स आप यहां देखेंगे तो हमारे पास वी हैव फोर स्ट्रक्चर्स, पी क्यू आर एस. स्टूडेंट, पी क्यू आर एस, अगर आप ध्यान से समझो इस बात को, मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इस चीज को. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास चार स्ट्रक्चर हैं, ओके, जो हमारे पास चार स्ट्रक्चर है, मैं इसको कॉपी करता हूं. अब ये जो चार स्ट्रक्चर स्टूडेंट, पी क्यू आर एस, सबसे पहले मैं आपको इनका कॉमन नाम बताऊंगा, क्योंकि ये कॉमन नेम इनका बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मैनी टाइम आप इसके क्वेश्चंस में देखेंगे कि दे विल टेल यू टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, जहां पर आपको मॉलिक्यूल्स के नाम दिए रहेंगे, इजंट इट. तो स्टूडेंट, सबसे पहले दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पिप्रिडीन. सिमिलरली स्टूडेंट, क्यू इज कॉल्ड एज पाइरिडीन. अब स्टूडेंट, अगर ये नाम आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आई विल रिकमेंड कि आप इनके नाम को लिख लीजिए. एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टूडेंट पाइरोल. अब ये तीन जो नेम है स्टूडेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना. ये आपको इनका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में समटाइम दे यूज कॉमन नेम, डायरेक्टली आपसे पूछेगा, और अगर आपको ये इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है तो शायद यू विल नॉट बी एबल टू आंसर. अब स्टूडेंट, जब हमें बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी है, इजंट इट, हमें जब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी है तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, अभी देखिए, तो पहला स्ट्रक्चर, द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव इज पिप्रिडीन, इजंट इट. अब स्टूडेंट्स, अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट, वो क्या है, लोकलाइज्ड है. अब लोकलाइज्ड मतलब ये किसी भी तरह से कहीं दूसरे एटम पे नहीं जा रहा है स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन के साथ फिक्स्ड है. हम बोलते हैं ना, ये लोकल है मतलब उस जगह पे फिक्स्ड है. सो दे आर फिक्स्ड टू अ गिवन एटम. अब अगर ये फिक्स्ड है स्टूडेंट, तो H+ किसी भी H+ को अगर अटैक करना है तो अटैक करना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है जो फिक्स है. इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर स्टूडेंट्स, अगर आप सेकंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अभी यहां ध्यान से देखिए, अगर आप सेकंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ऑल्सो लोकलाइज्ड. क्यों स्टूडेंट, ऐसा क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस में जो पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ये सारे इलेक्ट्रॉन है. ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. जो लोन पेयर नाइट्रोजन के साथ एसोसिएटेड है स्टूडेंट, इट विल नेवर पार्टिसिपेट, है कि नहीं. तो अगर आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे
तो हर एक एटम के पास एक पी ऑर्बिटल एसोसिएटेड है इस रिंग में, और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अगर आप देखेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर टू दीज इलेक्ट्रॉन्स, है ना स्टूडेंट, तो दिस विल नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो दिस इज ऑल्सो लोकलाइज्ड, इस पर भी एच प्लस आसानी से अटैक कर सकता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द थर्ड ऑप्शन, दैट इज आर ऑप्शन वी हैव इज, स्टूडेंट यहां पर क्या है, वी हैव नाइट्रोजन इज देयर, ये पिपरिडीन की जैसा ही स्ट्रक्चर है, बट इट इन दिस केस वी हैव एन ऑक्सीजन एटम अटैच टू दिस रिंग, कार्बन के जगह पे कैसा है स्टूडेंट, कार्बन के जगह पे एक ऑक्सीजन एटम। अब ये ऑक्सीजन एटम क्या करेगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा किसके, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस नाइट्रोजन को। तो ये अभी भी जो है इट इज लोकलाइज्ड, इज इट क्लियर? बट स्टूडेंट जो हमारे पास फिफ्थ केस है, पायरोल का केस है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना कि ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, है ना स्टूडेंट, तो दे आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात आप ये ध्यान से समझिए कि लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जब लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसको देना, किसी एटम को दे पाना काफी आसान होता है, लेकिन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का दे पाना काफी मुश्किल है। तो हमारे पास जो चार स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस, द सेकंड स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दिस पिपरिडीन, सेकंड वन इज दिस पायरिडीन, थर्ड इज दिस इन विच वन ऑफ द कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन एंड दिस इज पायरोल। अब स्टूडेंट एक बात तो क्लियर है कि एस की बेसिसिटी सबसे कम होने वाली है, क्योंकि क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, isn't it? इनके इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है स्टूडेंट। अब अगर आप पी क्यू आर की बात करेंगे स्टूडेंट, तो पी क्यू आर तीनों ही केस में वट यू हैव इज यू हैव नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है स्टूडेंट्स। तो नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर है तो तीनों ही नाइट्रोजन, यहां पर अगर आप तीनों नाइट्रोजन को देखेंगे, ये और ये, तीनों नाइट्रोजन के पास कैसा है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर आसानी से कौन दे पाएगा स्टूडेंट्स? अब अगर आसानी से देने की बात करेंगे, तीनों के पास लोकलाइज्ड है, तो ये जो डिसाइड करने वाला है स्टूडेंट, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम विच डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो यहां पर स्टूडेंट इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3 और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3, isn't it? अब sp3 का मतलब है स्टूडेंट, जितना s कैरेक्टर कम होगा, जितना s कैरेक्टर कम होता है उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, isn't it? तो p और r जो है स्टूडेंट q के कॉम्परेटिवली ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़े हुए, इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट p और अगर r की बात करें, आप p और r की बात करें, तो p और r में जैसा मैंने आपको बताया स्टूडेंट, यहां पर इस केस में ऑक्सीजन के कारण इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का विड्रॉ करेगा, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी बढ़ जाएगी और ये अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट नहीं करेगा, इज इट क्लियर? तो अगर आप पिपरिडीन और ये थर्ड स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे, तो पिपरिडीन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू आर। सो व्हाट आई विल से स्टूडेंट, P is more basic than R and R is more basic than Q. अब ये Q क्यों है स्टूडेंट, पायरिडीन क्यों है less basic? Because यहां पर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो क्या है, that is associated with sp2 hybridized nitrogen atom. Is it clear?
So answer is PRQS. So let's go and check out ki PRQS कोई option है क्या? So option over here is option B. Is it clear? Okay. So let's go for the next question. Next question over here, student, is the Basie City Order. Now student, अगर आप यहाँ ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ही important मैं concept आपको यहाँ बताने वाला हूँ. Already मैंने अपने पुराने lecture में ये discuss किया हुआ है, but यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ student, कि अगर आप एक, हमारे पास एक structure होता है, that is NH2, this molecule NH and NH2. This molecule, student, this molecule is called as guanidine. And guanidine is one of the strongest base known. This is strongest base, student. ये बहुत अच्छा बेस होता है, बहुत स्ट्रांग बेस होता है. अब अगर आप सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, तो स्टूडेंट इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने बेसिक स्ट्रेंथ पे किया हुआ है. सॉरी आई मिस्ड स्पेलिंग. ग्वेनिडीन. So guanidine, why guanidine is a very strong base? पहले मैं इस चीज को आपको explain करूंगा और फिर हम we will come to this question. Now guanidine is a very strong base. आप इस बात को समझिए student, क्योंकि यहां पर आप जो structures देख रहे हैं, इस केस में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर दो दो रेजोनेंस हो रहा है. तो स्टूडेंट इफ यू हैव ए, दिस बी एंड दिस इज सी. तो स्टूडेंट अगर नाइट्रोजन एटम ए रेजोनेंस से अपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है, उस केस में क्या होगा? उस केस में इस नाइट्रोजन एटम पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इजंट इट? और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. सॉरी, एट दिस प्लेस यू हैव लोन पेयर. तो स्टूडेंट क्या हुआ है, ध्यान से समझिए. आप ये देख सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस. तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया इस नाइट्रोजन को. सिमिलरली इवन दिस विल डू. तो यहां पर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी बढ़ जाएगी, इजंट इट? एक और इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, जो ध्यान देने वाली बात है, यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट मेक इट वेरी वेरी स्ट्रांग बेस इज, आप समझिए ग्वेनिडीन के केस में अगर आप देखेंगे, सो दिस नाइट्रोजन इज हाईली बेसिक. अब आपको समझ में आ रहा होगा व्हाई दिस इज हाईली बेसिक, बिकॉज इट हैव डेल माइनस कैरेक्टर. अब स्टूडेंट्स जैसे ही एक एच प्लस इस पे अटैक करेगा, सो एच प्लस जैसे ही अटैक करेगा स्टूडेंट, व्हाट यू विल गेट इज आपको मिल जाएगा NH2 C डबल बॉन्ड NH2 प्लस एंड NH2. अब स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो यहां पर फिर से रेजोनेंस होगा और ये प्लस चार्ज कैन कम ओवर हियर, और यहां पर भी रेजोनेंस होगा एंड प्लस चार्ज विल कम ओवर हियर. तो स्टूडेंट आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो प्लस चार्ज है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट थ्री नाइट्रोजन एटम, विच मेक इट वेरी 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 स्ट्रांग बेस. इज इट क्लियर?
अब स्टूडेंट्स लेट कम टू आवर क्वेश्चन, लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन. सो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन में व्हाट वी हैव इज, हमें ग्वानिडीन नहीं दिया है लेकिन ग्वानिडीन के जैसा एक स्ट्रक्चर दिया गया है. एंड दैट स्ट्रक्चर स्टूडेंट इज अगर आप यहां देखेंगे ध्यान से, सो वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड NH एंड NH2. तो स्टूडेंट हमारे एक साइड तो NH2 नहीं है बट दूसरे साइड NH2 है जिसके कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो काफी बढ़ जाएगी, है ना. इज इट क्लियर. तो इस नाइट्रोजन पे डेल माइनस आएगा और इस पे डेल प्लस आएगा, इजंट इट स्टूडेंट. तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ काफी अच्छी रहेगी. अब हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है CH3CH2NH2. तो ये एक प्राइमरी अमाइन है स्टूडेंट. तो प्राइमरी अमाइन है सो ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, लोकलाइज्ड है. अब इससे ज्यादा बेसिक स्टूडेंट क्या रहेगा, सेकेंडरी अमाइन रहेगा. अगर आप ये किस पे डिस्कस कर रहे हैं, गैसियस स्टेट पे बात कर रहे स्टूडेंट. अगर इफ यू आर टॉकिंग इन एक्वस फेस, हमने इस पे काफी डिटेल में डिस्कशन किया, एक्वस फेस में अल्कील ग्रुप के बेसिस पे बेसिसिटी चेंज हो जाती है, इजंट इट. एंड फोर्थ ऑप्शन व्हाट वी हैव इज कॉल्ड एस, फोर्थ ऑप्शन वी हैव इज कॉल्ड एस अमाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2. स्टूडेंट अमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है क्योंकि यह नेगेटिव चार्ज यहां आता है और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आता है, इजंट इट. अमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम है. तो चलो मैं ना स्टूडेंट्स आपको यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता देता हूं जो कि आपको जनरली बुक्स में दिखेंगे नहीं. मैं आपको बेसिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर बताता हूं विच इज जनरली फाउंड इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, है ना. तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स. सो हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं. तो स्टूडेंट मैं इसको कंपेयर करूंगा इन टर्म्स ऑफ पीके. अच्छा स्टूडेंट पीके, जिसका पीकेए छोटा है वो कैसा है, ज्यादा एसिडिक है, मतलब बेसिक वो कम है, इजंट इट. और पीकेए वैल्यू जिसका बड़ा है उसका पीके भी वैल्यू छोटा होगा. पीके वैल्यू बड़ा है इसका मतलब ज्यादा बेसिक है, इजंट इट. तो मैं पीके के टर्म्स में यहां आपको डिस्कस करने वाला हूं. तो स्टूडेंट सबसे पहले व्हाट आई विल टेक इज आप लिस्ट बनाते जा सकते हैं. इसका नाम क्या दिया था स्टूडेंट, इसका नाम क्या था, पिप्रिडीन, इजंट इट. बहुत ही इंपॉर्टेंट. ये तो साइक्लोहेक्सिन अमाइन हो गया, इजंट इट. मैं लिस्ट देता जा रहा हूं आप लिखते जाइए, मैं इसका पीकेए वैल्यू भी आपको बता दूंगा. अब यहां क्या कर रहे स्टूडेंट हम लोग, ये एक प्राइमरी अमाइन है, ये एक सेकेंडरी अमाइन है, इजंट इट. अभी ये चार हो गए. मैं स्टूडेंट इसका मैं पीके आपको दे देता हूं. सो पीके ए वैल्यू इज 11, दिस इज 10.7, दिस इज अराउंड अगेन 10.7 के आसपास ही है, एंड दिस इज 9.3. तो स्टूडेंट जैसे जैसे पीके का वैल्यू कम होता जा रहा है वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ पीके का वैल्यू जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जा रहा है, इजंट इट. क्लियर है. अभी ध्यान से समझिए व्हाट आई एम सेइंग इज, तो ये तीन स्ट्रक्चर हो गए, चार स्ट्रक्चर हो गए. अब इसके बाद यू हैव
please take a note of this. थोड़ा विजिबिलिटी आपको नहीं होगा इसके लिए मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, CH3CN. सो नाउ स्टूडेंट पीके वैल्यू. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो अभी तक जो हमने किया है, व्हाट वी हैव डन इज हमने 11, 10.7, 10.7, 9.3. दिस इज अमोनिया है ना, अमोनिया इज 9.3. अब जैसे जैसे इसमें अल्किल ग्रुप जुड़ता जाएगा स्टूडेंट, क्या होता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, isn't it? तो आप बोलेंगे सर ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है फिर भी इनके पास सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सप्लाई करने वाले हैं ऑलमोस्ट ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, देन दिस इज ऑन वन साइड. तो एक डेटा है जस्ट याद रखिए, अदरवाइज जनरली इस गैसियस फेज में 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है एंड पी के ओवर ईयर इज 11. तो ये एक बात ध्यान में रखिए. एंड देन दिस इज व्हाट, दिस इज पाइरिडीन. पाइरिडीन का पी के वैल्यू जो होता है वो होता है 5.2. दिस इज एनिलीन जिसका पी के वैल्यू होता है 4.6. दिस इज पैरा नाइट्रो एनिलीन जिसका पी के वैल्यू होता है 1. अगर आपको ये याद होगा तो दिस इज पायरोल जिसका पी के वैल्यू होता है 0. दिस इज अमाइड जिसका पी के वैल्यू होता है 1. एंड दिस इज साइनाइड जिसका पी के वैल्यू होता है -10. तो स्टूडेंट अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, तो मैं बोलूंगा ये दिस इज लिस्ट बेसिक, साइनाइड इज लिस्ट बेसिक, अमाइड उससे थोड़ा कम, isn't it? एंड जीरो, पी के वैल्यू इज 0 इन द केस ऑफ व्हाट, दिस इज पायरोल. तो इसके भी बेसिक स्ट्रेंथ काफी कम है, isn't it? स्टूडेंट इवन इसकी भी बेसिक स्ट्रेंथ काफी कम होगी, आप देख रहे हैं पी के वैल्यू 1 है. दिस इज क्वाइट गुड, एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम है. हियर पायरिडीन इज क्वाइट गुड बेसिक, ये बेस की तरह हम लोग यूज करते हैं, वीक बेस की तरह यूज करते हैं. देन अमोनिया, देन दीज स्ट्रक्चर्स आर देयर. तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये बता दिया, ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, isn't it? ये ऑर्डर ध्यान में रखना है. तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से फाइनली ऑर्डर लिख देता हूं. दिस इज मोर बेसिक कंपेयर टू दिस एंड दिस टू हैव ऑलमोस्ट सेम बेसिक स्ट्रेंथ. This is more basic than NH3, which is more basic than pyridine. Pyridine is more basic than aniline. Aniline is more basic than paranitroaniline. And paranitroaniline is more basic than pyrrole. Pyrrole is more basic than amides. तो amide की basic strength बहुत ही कम होने वाली है. And last one is cyanide, isn't it? तो ये ध्यान में रखिए आप. Now student, हम जिस question पे question कर रहे थे वहां आते हैं. So this is our question, है ना स्टूडेंट. तो सबसे पहले अगर आप ये बात ध्यान में रखेंगे, सॉरी वी आर इन दिस क्वेश्चन. तो अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो स्टूडेंट
आप यहां देख सकते हैं कि ऑप्शन पी इज मच कॉम्पेरेबल विथ ग्यूनाडीन, तो पी की बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहेगी। उसके बाद रहेगी स्टूडेंट्स आर की, आर के बाद रहेगी क्यू की, एंड एस की बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम रहेगी, इजंट इट? सो आंसर इज सी। विच वन इज द आंसर? आंसर इज सी। सो सी इज द आंसर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहां पर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया है, ये पेज जो बताया है, ये जो बताया है पी के वैल्यू के साथ, ये आप लिख के रख लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको जनरली बुक्स में नोट्स में नहीं मिलेगी। ये मुझे अभी यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए याद आया तो मैंने आपको बता दिया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इजंट इट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द लीस्ट बेसिक। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस पे जो नाइट्रोजन है दे आर लोकलाइज्ड, फ्री हैं, आसानी से दे सकते हैं, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, बट एनिलीन के केस में बेसिक स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता है। आपको पता है एनिलीन के केस में मैंने बताया था पी के का वैल्यू 4.6 होता है, तो लीस्ट बेसिक इज डी, इजंट इट? अच्छा स्टूडेंट अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, ऑर्डर पूछा जाए तो? तो सबसे ज़्यादा एसिडिक इनमें से कौन रहेगा स्टूडेंट? सी रहेगा, फिर ए रहेगा, फिर बी रहेगा, एंड एट लास्ट डी। तो ये मैंने कंसीडर किया है कि दिस इज इन गैसियस फेज, इजंट इट? क्लियर है? ओके, अनदर एग्जाम्पल ओवर हियर स्टूडेंट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, डिक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड। ओके, दिस इज ऑल्सो अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी आपने नाइट्रोजन के साथ CF3 अगर अटैच कर दिया है, अब आपको पता है कि दिस इज वेरी वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब स्टूडेंट आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो इंडक्टिवली विड्रॉ करेगा, बट इंडक्टिवली विड्रॉ करने के बाद भी ये इतना स्ट्रांग होता है कि किसी भी मेसोमेरिक इफेक्ट के बराबर ये हो जाता है। तो बहुत ही स्ट्रांग विड्रॉ करेगा और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ लीस्ट होने वाली है, ये बात आप ध्यान में रखिए, इजंट इट? तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है? हमारे पास है नाइट्रोजन CF3 and CF3, this is the structure we have. The second structure we have is pyridine, hai na? The second structure we have is pyridine, and third structure we have is this one. And the fourth structure again is pyrrole, student. So now a question is ki pyrrole or NCF3 thrice mein jyada basic kaun hai aur least basic kaun hai? To student sabse pehle main bolunga iski basic strength bahut kam hoti hai, aap ye yaad rakhiye. In the question they have given it as 1 2 3 4, hai na? So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So I will say 1 ki basic strength 4 se bhi kam rahegi. Ab out of these two agar aap dekhenge student, to ye jo hai wo sp3 hai aur ye sp2 ka nitrogen hai na. To aise case mein sp3 have more basic character, so 3 will be more than 2. So 3 2 4 1, so answer is 3 2 4 1, and I think they have given second as this option. Is it clear? Okay, now we are going for the next question, and next question is question number 86. So they are asking you the strongest base. So isme strongest base kaun hai student? Please try to answer this. Which one is the strongest base?
तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की अगर आप बात करोगे स्टूडेंट, तो कैसे आप डिसाइड कैसे करोगे, हाउ विल डिसाइड दिस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? कीजिए, टेक योर टाइम, प्लीज डू इट राइट नाउ। सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। ट्राई इट योर सेल्फ, ट्राई इट योर सेल्फ। हो गया? तो देखो स्टूडेंट, यहां पर फिर से अगर आप बात करेंगे तो इस जगह पे रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ ज्यादा रहेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल रहेगा, इजंट इट? इस जगह पे स्टूडेंट ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा क्योंकि NO2 है, और इस केस में भी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और नाइट्रोजन के पास बहुत कम रहेगा। इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस क्रॉस कॉन्जुगेशन। इज इट क्लियर? तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है स्टूडेंट? सबसे ज्यादा बेसिक है बी। अच्छा चलो, अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो आप क्या करोगे? बी के बाद किसे लिखोगे बताओ? बी के बाद देखो, इस केस में स्टूडेंट बहुत ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जा रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है NO2 के द्वारा। तो डेफिनेटली NO2 जो होगा वो क्या करेगा, इसको बहुत लीस्ट बेसिक कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे वो उसकी बेसिसिटी को डिक्रीज कर देती है। यहाँ पर NO2 ग्रुप जैसा नहीं है, बट इट इज इन क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो B के बाद कैसा रहेगा स्टूडेंट्स? A, A के बाद रहेगा D, एंड D के बाद आई थिंक C। सो दिस इज द ऑर्डर, इज इट क्लियर? ओके, देन वी हैव ओके स्टूडेंट, देन क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज देयर। नाउ टेल मी, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में आपको कंपेयर करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहां पर आपको ये पता होना चाहिए, ये एनिलीन है इलेक्ट्रॉन, दिस विल कम इनसाइड दिस बेंजीन रिंग, है ना? अब ये काफी ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहां पर स्टूडेंट प्लस आई इफेक्ट दिखेंगे, प्लस आई इफेक्ट दिखेगा, यहां माइनस एम इफेक्ट दिखेगा, माइनस आई इफेक्ट दिखेगा, और यहां पर स्टूडेंट एस आई आर दिखेगा, इजंट इट? अब एस आई आर जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, आपको मैंने ये पढ़ाया है एस आई आर एस आई पी में। तो मोस्ट बेसिक इज एस, इजंट इट? मोस्ट बेसिक इज एस। एस के बाद कौन रहेगा स्टूडेंट? आर। आर के बाद कौन रहेगा? पी। पी के बाद कौन सा रहेगा? क्यू। तो एस आर पी क्यू, सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, एस आर पी क्यू। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रांगेस्ट बेस? Which of the following is strongest base? तो इसमें strongest base कौन है student? तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर SIR लग रहा है, इसके लिए इसकी basic strength जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी, isn't it? यहां SIP लगेगा student, इसकी basic strength बहुत ही कम हो जाएगी, है ना? यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई लग रहा है स्टूडेंट, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता, अगर बेसिक ये ना पूछ के पूछते कि विच वन इज द अरेंज इट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी, तो आप इसको कैसे लिखते स्टूडेंट? तो मैं बोलता डी इज मोस्ट बेसिक, डी के बाद आप किसके किसे बोलते स्टूडेंट? बी। बी के बाद ए, एंड ए के बाद सी। So, ये ऑर्डर होता अगर हमें यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया होता तो। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको यहां पर स्टूडेंट दे वांट टू फाइंड बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा Z, देन Y, एंड देन एक्स। यहां पर दो
प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पर एक प्लस आई है और एक विड्रॉइंग है, यहाँ पर विड्रॉइंग है, इजंट इट, यहाँ पर भी विड्रॉइंग है. सो बट दिस पार्ट इज कॉमन एवरीवेयर. तो चेंज क्या हो रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट. तो जेड वाई एंड एक्स, इज इट क्लियर? ठीक है स्टूडेंट, तो जेड वाई एक्स ऑप्शन इज सी. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट हियर दे आर आस्किंग यू विच वन इज बेसिक स्ट्रेंथ पे डिस्कशन करना है स्टूडेंट, बेसिक स्ट्रेंथ. सो दे वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ. सो स्टूडेंट यहाँ यू हैव एस आई पी जो बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत डिक्रीज कर देगा. तो क्यू की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम रहेगी, इजंट इट? यहाँ पर स्टूडेंट आपको लगने वाला है प्लस एच एंड प्लस आई. मेटा पोजीशन से केवल प्लस आई लगेगा और यहाँ पर कुछ भी बेंजीन के साथ कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ. अब जितने प्लस एच या प्लस आई से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे स्टूडेंट, उसकी ऑर्डर उतनी ज़्यादा रहेगी. तो कैन वी से कि अच्छा इस केस में भी स्टूडेंट, हाँ, सो एस जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा. अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पर भी तो सप्लाई हो रहा है बट एस आई पी इज़ मोर प्रोमिनेंट और वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है. तो एस, देन यू हैव आर, देन यू हैव पी एंड देन यू हैव क्यू. सो व्हाट्स द आंसर? एस आर पी एंड क्यू. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इज इट क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पर अगर आप स्टूडेंट बात करेंगे, सो फर्स्ट राइट आउट योरसेल्फ, काफी अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड बेसिक स्ट्रेंथ, अगेन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी. बेसिक स्ट्रेंथ आपको बताना है स्टूडेंट. तो ओ सी एस थ्री ग्रुप कैसा है? ओ सी एस थ्री ग्रुप स्टूडेंट ये आपको प्लस एम एंड माइनस आई दिखाता है, इजंट इट? तो ट्राई इट आउट योरसेल्फ, देन वी विल डिस्कस. काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू मस्ट सॉल्व इट. सो स्टूडेंट्स हो गया, नहीं हुआ तो पॉज मी, सॉल्व इट एंड देन लिसन टू द आंसर. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट क्वेश्चन इज, अच्छा स्टूडेंट एक एक बात और मेरे ध्यान में से निकल गया जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज वेरी very very important. इसका common नाम name बहुत important है. किसका common name? This compound. Aniline के ortho position पे CH3, आप इसे बार बार देखेंगे. This is called as toluidine. मैं थोड़ा स्पेलिंग अच्छे से लिखता हूं, टी ओ एल यू आई डी आई एन ई, टॉलिडीन. तो टॉलिडीन ये नाम, कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, है ना? मैनी टाइम दे में आस्क यू टॉलिडीन क्या है और उसके बेसिक स्ट्रेंथ पे बात करें. हाँ तो क्वेश्चन स्टूडेंट ये क्वेश्चंस वी हैव डन, हमारे पास ये क्वेश्चन है. सो मैंने आपको ये सॉल्व करने के लिए कहा. तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो वी हैव एस आई पी ओवर हियर जिसके कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी, इजंट इट? अब ये यहाँ स्टूडेंट प्लस एम और माइनस आई दिखाएगा, इजंट इट? और यहाँ से ये केवल माइनस आई दिखाएगा.
तो अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ की बात करो स्टूडेंट, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ कौन ज़्यादा अच्छा दिखाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, तो उसके बेसिस से तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बेसिक, चलो लेट्स रीड्रॉ इट, थोड़ा फिर से ड्रॉ करते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, हमारे पास एनिलीन है, हमारे पास ऑर्थो मिथॉक्सी एनिलीन है, सॉरी यहां पर सी एच एन एच टू आएगा, देन वी हैव मेटा मिथॉक्सी एनिलीन एंड वी हैव पैरा मिथॉक्सी एनिलीन। अब ये क्वेश्चन ना स्टूडेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और थोड़ा यहाँ पर दिस इज डेटा बेस्ड बेसिकली। तो बेसिकली अगर स्टूडेंट्स देखा जाए तो मैं कहूँगा कि ये प्लस एम से सप्लाई करेगा और माइनस आई से विड्रॉ करेगा, ये माइनस आई दिखाएगा, ये स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन दिखाएगा, एंड यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बेसिक किसको होना चाहिए था, इफ दिस इज पी क्यू आर एस, इफ यू विल से पी क्यू आर एंड एस, तो एस की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर ये विड्रॉ कर रहा है स्टूडेंट तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम, एंड एस आई पी वी नो एस आई पी बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देता है, इजंट इट। तो स्टूडेंट एस के बाद पी आना चाहिए था। नाउ क्यू एंड आर में लॉजिकली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और एस आई पी के कारण स्टूडेंट बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, इनफैक्ट ऑर्थो एंड अगर आप बात करेंगे ऑर्थो एंड मेटा की बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इस जगह पे एक बात आप ध्यान में रखना कि क्यू इज ग्रेटर देन आर। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि एस आई पी तो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज कर देता है बेसिक स्ट्रेंथ को, तो अगर ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है तो इसे लास्ट में होना चाहिए था, बट क्यू कम्स बिफोर आर, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर आप कितना भी एस आई पी बोलो बट यहाँ प्लस एम माइनस आई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन विथ एस आई पी इसको थर्ड नंबर पर लेके आता है। तो ये एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, जनरली पूछा नहीं जाता है बट इसे ध्यान में रखिए आप। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको डिटेल की चीजें हायर स्टडीज हायर अंडरस्टैंडिंग लेके आना पड़ेगा, इजंट इट। चलिए अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यहाँ पर भी स्टूडेंट आपसे बेसिक स्ट्रेंथ पे ही बात किया जा रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर तो NO2 जो है स्टूडेंट ये SiP प्रोड्यूस करेगा, isn't it? SiP करेगा स्टूडेंट, ये है यहाँ माइनस एम, ये है माइनस आई, ये माइनस आई माइनस एम, isn't it स्टूडेंट? तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? अब ये देखिए माइनस एम माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला है, एस आई पी बेसिक स्ट्रेंथ को कम करने वाला है, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो होगा पी, इज इट क्लियर? पी के बाद कौन सा स्टूडेंट? पी के बाद होगा आर, क्योंकि ये इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है और वो काफ़ी कम रहने वाला है। उसके बाद कौन सा स्टूडेंट? एस, एंड एस के बाद कौन सा स्टूडेंट? क्यू, क्योंकि एस आई पी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज कर देता है। ये केवल मैंने एक्सेप्शन आपको एक जगह पे बताया और वो एक्सेप्शन है मिथॉक्सी कंपाउंड में, मिथॉक्सी एनिलीन के केस में आपको ये बात ध्यान में रखना है, इजंट इट, कि एस आई पी होने के बाद भी SIP होने के बाद भी, ये मैंने यहाँ आपको बताया SIP होने के बाद भी स्टूडेंट क्या मैंने बताया कि क्यों, क्योंकि SIP है लेकिन प्लस M माइनस I हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सारे फैक्टर है जिसके कारण वो थर्ड नंबर पे आता है। इनफैक्ट स्टूडेंट अगर आप ये देखेंगे ना तो इनके बेसिक स्ट्रेंथ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन एंड मिथॉक्सी एनिलीन इज ऑलमोस्ट सेम, सब 9.98 से 10.02 के बीच में रेंज करते हैं. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है स्टूडेंट, तो जस्ट इसे एक ध्यान में रखिए. और आपसे कभी भी एक्सपेरिमेंटल डेटा के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, आपको कंसेप्चुअल बातें की जाएंगी. इज इट क्लियर? तो ये कंसेप्ट में फिट बैठ रहा है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे मे आस्क. नाउ स्टूडेंट इन दिस केस, इन दिस केस अगेन यू हैव टू टेल द बेसिक ऑर्डर. यहां पर भी बेसिक ऑर्डर पे बात करते हैं. तो अगर आप बेसिक ऑर्डर की बात करोगे स्टूडेंट, तो चलो बताओ बेसिक ऑर्डर. तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या दिखेगा, प्लस एच प्लस आई, इस जगह पे भी प्लस एच प्लस आई, इस जगह पे भी प्लस एच प्लस आई. बट आप देखेंगे हर जगह पे प्लस एच, यहां पर केवल प्लस आई. अब हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से, तो यहां 3 अल्फा, यहां 2 अल्फा, यहां 1 अल्फा. सो ये सप्लाई ज्यादा करेगा, ये उससे कम करेगा, फिर सब ये कम करेगा और लास्ट में ये. तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा हमारा पी, देन क्यू, देन आर एंड एट लास्ट एस. सो पी क्यू आर एस, सो विच answer is matching p q r s, answer a, so a is the correct answer. Is it clear? Now let's move to the next question. Again this question is also quite important. Abhi student aapko pata hai ki halogen jab kabhi benzene ring ke sath attach ho jata hai तो वो इंडक्टिव और मेसोमेरिक दोनों ही दिखाता है. जैसे इस केस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब के सब यहाँ पर अभी स्टूडेंट यहाँ पर फ्लोरीन प्लस एम माइनस आई दिखाएगा, क्लोरीन भी प्लस एम माइनस आई दिखाई, यहाँ पर भी प्लस एम और माइनस आई दिखाएगा, ये भी प्लस एम और माइनस आई दिखाएगा. स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखना, एक बात ध्यान में रखना कि इन तीनों केस में आई इज मोर प्रोमिनेंट देन प्लस आर और प्लस एम, क्योंकि प्लस एम के लिए जो ऑर्बिटल का साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है यहाँ पर, और इफेक्टिव मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो पाता है, जबकि इंडक्टिवली वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है. बट इस केस में मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट कॉम्पेरेबल होते हैं, इजंट इट, ऑलमोस्ट कॉम्पेरेबल होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि फ्लोरीन का जो फ्लोरीन के जो ऑर्बिटल का साइज है वो 2p है, और कार्बन के भी ऑर्बिटल का साइज 2p है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो स्टूडेंट ये सब खींचने वाले हैं, इजंट इट. तो जितना स्ट्रांगली जो खींचेगा वो उसको उतना लेस बेसिक बनाएगा. तो व्हाट आई फील ओवर हियर इज स्टूडेंट कि सबसे कम खींचेगा कौन, इंडक्टिवली, इंडक्टिव पावर. ये देखिए इन तीनों केस में तो आपको इंडक्टिव पावर से डिसाइड करना है, इजंट इट. तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा एस, फिर होगा आर. अब पी और क्यू में स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो एक बात ध्यान में रखिए कि पी और क्यू में स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट देन इंडक्टिव इफेक्ट, सो ये क्या करेगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है एज कंपेयर टू क्यू. तो पी एंड एट लास्ट वी हैव क्यू. तो ये एक ऑर्डर है जो आपको ध्यान में रखना है. व्हाट आई सेड स्टूडेंट, इन केस में इंडक्टिव इफेक्ट इज द डिसाइडिंग फैक्टर. यहाँ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर इंडक्टिव और मेसोमेरिक दोनों हैं. तो इसका मेसोमेरिक इफेक्ट, अब इन दोनों के इंडक्टिव इफेक्ट में थोड़ा डिफरेंस है, इट हैव मोर पावर, इंडक्टिवली मोर पावर, बट मेसोमेरिकली इट इज सप्लाई मोर एज कम्पेयर टू दिस. तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है. ये भी थोड़ा डेटा बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट
एक और क्वेश्चन करेंगे एंड देन हम नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा मैं, जिसमें वी विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस। नाउ यहाँ स्टूडेंट फिर से पीएच आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है, सो दे आर आस्किंग यू बेसिक स्ट्रेंथ। तो जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना कम बेसिक होगा, तो x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। आपको पता है कि तीन पीएच अगर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, तो ये लोन पेयर तीनों बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होगा, जिसके कारण एवेबिलिटी बहुत कम रहेगी। सो ऑर्डर इज x, y एंड z एंड ऑप्शन इज विच वन बी। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट हम यहाँ पर इस डिस्कशन को रोकेंगे, इसके बाद I will take few more question based on this basic strength पे थोड़ा और questions करेंगे, isn't it? So we have discussed